top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आज जैसा हमने कहा था कि पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनको मुझे जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप दो बार एमएलए रहे हैं और पूर्व में आप पीएससी के चेयरमैन भी रहे और एक्स नेशनल सेक्रेटरी विद इंडिपेंडेंट चार्ज आप रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो नीतियां हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको विश्वास करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं आपका बहुत ही दिल से आभार और स्वागत करता हूं। इन्हीं के साथ ज्योति नितिन अग्रवाल कांग्रेस की वार्ड 60 की निगम पार्षद हैं, वो भी हमारे बीच में है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। उनका भी हम निश्चित रूप से पार्टी में बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी के साथ संदीप यादव दक्षिण दिल्ली से हैं, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आप सेक्रेटरी हैं, उनका भी आज हम भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अशोक कुमार गुप्ता पश्चिम बिहार कांग्रेस के नेता हैं, वो भी आज पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इंदिरा सिंह पूर्व महामंत्री कांग्रेस, इनका भी हम पार्टी में शामिल कर रहे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। श्रीमती रेखा बोरा बहर जंगपुरा महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वर्षों से उन्होंने पार्टी में काम किया है, वो पार्टी आज ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्रीमती प्रीति जैन पीतमपुरा जैन समाज में एक बड़ा नाम है और बहुत काम उन्होंने जैन समाज के साथ और कांग्रेस के साथ किया है, वो भी आज पार्टी की सदस्यता ले रही हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इन्हीं के साथ एसपी सिंह जी पूर्व आईआरएस अधिकारी हमारे बीच में हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का अपना मन बनाया। आप सूरजमल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अधिकांश समय उन्होंने इस एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है और वो इस समय उसके अध्यक्ष हैं, वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ना कोई भावना, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई मन में बातचीत निश्चित रूप से रही होगी, जो उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में इतने भारी संख्या में लोगों का आना, पार्टी में हम निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं आग्रह करता हूं अपने राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे सांसद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक प्रभात झा जी से कि आप हम सभी लोग जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इनको एक पटका पहना करके पार्टी के अंदर हम विधिवत रूप से पार्टी ज्वाइन कराएं। हमारे आईआरएस से